Hello everyone, welcome in Cosmos. I hope you all will be good and quite healthy. So here we will start the next topic of this chapter, which is electric current. All electrical appliances, gadgets like a bulb or a heater coil are based on the movement of charges. ये जितने भी electrical appliances और gadgets होते हैं, जैसे कि बल्ब या हीटर की कॉइल हो, ये सभी में चार्जेस का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, जैसे कि किसी नदी में पानी का फ्लो हो रहा हो। इसी तरह क्या होता है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, और इसी तरह किसी कंडक्टर या मेटलिक वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज भी फ्लो करता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम में चार्ज की कितनी क्वांटिटी फ्लो होती है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। दस इलेक्ट्रिक करंट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन ए पर यूनिट टाइम। आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम या क्यू अपॉन टी। आई भी डिनोट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। वेयर क्यू इज़ द चार्ज इन कूलोम फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन टी सेकेंड। इफ वन कूलोम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन वन सेकेंड, द करंट फ्लोइंग इट विल बी वन एम्पियर। ए डिनोट कर रहा है एम्पियर को, जो कि करंट की यूनिट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इस तरह अगर यूनिट फॉर्मूला बनाना हो तो वो क्या बनेगा, वन एम्पियर इक्वल टू वन कूलोम अपॉन वन सेकेंड। हियर एम्पियर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ करंट गिवन इन द ऑनर ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर। However, small currents are more conveniently expressed in milliampere, symbolically represented by ma, and microampere, represented by mu a. Current is a scalar quantity. तो current भी कैसी होती है, scalar quantity, because it has no direction. अच्छा, 1 milliampere equal to 10^-3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10^-6 एम्पियर। ये काफ़ी यूज़फुल है आपके प्रॉब्लम बेस पे। अब इस करंट को हम मेज़र कैसे करेंगे, एन एमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच ऑन कनेक्टेड इन सीरीज इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट इंडिकेट्स हाउ मैनी एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। एम्पियर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको किस में कनेक्ट करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से हमें ये पता लगेगा कि कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। डू यू नो ऑल मेटल्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच एक्ट एज चार्ज कैरियर। जितने भी मैटर होते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करते हैं, कितने, 10^-29 पर मीटर क्यूब, विच एक्ट एज चार्ज कैरियर इन ए मेटलिक कंडक्टर, ले सकते हैं वायर। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन मूव विद ए सफिशियंटली हाई वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^5 मीटर पर सेकेंड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ द कंडक्टर वायर, एंड इवन देन देयर इज नो नेट फ्लोस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव कर रहे होते हैं 10^5 मीटर पर सेकंड में, ये किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, वो चाहे फिर कंडक्टर हो चाहे वायर हो। बट व्हेन बैटरी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर वायर द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन वन डायरेक्शन। पर जब बैटरी कनेक्ट कर दी जाए तब इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी कंडक्टर या वायर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। करंट फ्लोज अलोंग द वायर इन वन डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अलोंग द वायर विद ए वेरी स्मॉल वेलोसिटी 10^-4 मीटर पर सेकेंड कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये काफ़ी यूज़फुल पॉइंट है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की। तो जब भी बैटरी हम कनेक्ट कर देंगे कि
किसी भी कंडक्टर में या वायर में, तब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो उनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और यही उसकी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। वी हैव ऑलरेडी रीड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटोन कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन डू नॉट कैरी एनी चार्ज। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट इफ अ बॉडी कैरीज एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन द बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसका मतलब क्या है, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जब एटम क्या हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, बट इफ बॉडी कैरीज एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, जब उसके पास प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएं, देन द इलेक्ट्रॉन से द बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। इफ़ द बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द प्रोटॉन बॉडी गेट्स नेगेटिवली चार्ज। इफ़ ए चार्ज बॉडी इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज बॉडी थ्रू ए मेटलिक वायर, द पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वाइल नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, द चार्ज फ्लोज टिल बोथ द बॉडीज आर एट द सेम पोटेंशियल। इसका मतलब है कोई भी चार्ज बॉडी हो, अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट कर दी जाए किसी भी मेटलिक वायर से, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लोज होंगे वो हायर पोटेंशियल से नेगेटिव, सॉरी लोअर पोटेंशियल की तरफ, और नेगेटिव चार्ज फ्लोज होंगे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। द चार्ज फ्लो स्टिल बोथ द बॉडी आर एट सेम पोटेंशियल, और जो चार्ज फ्लो हो रहा होगा फिर पॉजिटिव हायर टू लोअर, नेगेटिव लोअर टू हायर, वो सेम पोटेंशियल फ्लो होगा। टू पास द चार्ज कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी थ्रू ए वायर, अ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ टू बी मेंटेन बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए वायर इन ए सर्किट। This is done by an external source of energy, which force the charge carriers already present in the wire to move in a definite direction. ये किसके द्वारा हो रहा होगा, एक external source of energy के द्वारा, जिससे कि ये force लग रहा है और charge carriers कर रहे हैं या electron carriers कर रहे हैं, किस में, किसी भी एक particular wire में और एक particular direction में, from lower potential region to हायर पोटेंशियल रीजन। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो कैसे जाएंगे, लोअर पोटेंशियल रीजन से हायर पोटेंशियल रीजन की तरफ फ्लो कर रहे होंगे। द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ए सेल, और उसी को हमने क्या बोला है, एक सेल बोला है। सेल की अगर डेफिनेशन देखनी हो, अ सेल इज़ ए डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल एक वो डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इन द सेल नेगेटिवली चार्ज प्लेट रिपल्स द इलेक्ट्रॉन्स विच कॉजेज द इलेक्ट्रॉन टू मूव अलोंग द वायर, इसलिए वायर के अलोंग मूव करते हैं। हैंस द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज प्लेट थ्रू द वायर टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट टू द सेल। तो क्या हो रहा होता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं कहाँ से, नेगेटिवली चार्ज प्लेट से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ फ्लो हो रहे होते हैं, दिस इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉन करंट, और यही इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन करंट बोलते हैं। कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, दैट इज़ फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। ये आपके सामने फिगर है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट किस तरह फ्लो करते हैं। दो टर्मिनल आपको देख रहे हैं बैटरी में, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जो करंट फ्लो हो रहा होगा कैसा फ्लो हो रहा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो कैसा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड ए बैटरी। अगर सेल को जोड़ दिया जाए दो या दो से ज़्यादा,
तो उसको हम क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड सिंपलेस्ट डिवाइसेस कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टेडी करंट वाज इन्वेंटेड बाय एलेक्जेंड्रो वोल्टा। किसके द्वारा बनाई गई थी ये? एलेक्जेंड्रो वोल्टा के द्वारा, जिसका नाम था वोल्टाइक सेल। बैटरीज आर ए गुड सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मीन्स डीसी, एसी और डीसी। एसी जो हम जनरली अपने घरों में देखते हैं, डीसी जो बैटरी से हम अचीव करते हैं। एसी फॉर अल्टरनेटिव करंट मीन्स द करंट इज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन ओनली इन ए सर्किट। डीसी क्या होती है? जो एक पर्टिकुलर वन डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती है किसी भी सर्किट में। टू मेजर द करंट इन ए सर्किट एमीटर इज यूज्ड। अगर सर्किट में करंट को मेज़र हमें करना है तो किसका यूज़ करते हैं? एमीटर का यूज़ करते हैं। कॉशन है, थोड़ी चेतावनी है, इसको ध्यान रखें। नेवर कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ ए बैटरी विद कंडक्टिंग वायर विदाउट मेकिंग द इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू सम लोड लाइक ए लाइट बल्ब विच स्लोज द फ्लो ऑफ करंट। इफ द करंट फ्लो इज इंक्रीज टू मच द कंडक्टर में बिकम हॉट एंड द बल्ब एंड द बैटरी में भी डैमेज्ड। कभी भी हमें एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक वायर से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, इस तरह हमारी बैटरी डैमेज हो जाएगी जब तक कि कोई और अदर अप्लाइंसेस हम ना लगा लें, जैसे कि कोई भी बल्ब लगा सकते हैं, एलईडी बल्ब हो या छोटा मोटा कोई सा भी बल्ब। अब यहाँ हम देखते हैं 16.3.1 कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ऑल मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्जेस थ्रू देम वाइज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कोई भी मटेरियल हो, उन्हें दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं चार्जेस की मूवमेंट के बेसिस में। वो क्या है? कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर आर द मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू दैम। कंडक्टर वो मटेरियल है जो करंट को फ्लो करने देते हैं, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल हो। इंसुलेटर वो मटेरियल है जो करंट को फ्लो या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देते। इंसुलेटर आर द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम फ्रीली। रबर हो गया, ग्लास हो गया, बैकलाइट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 16.3.2 रजिस्टर्स। द इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस इज द टेंडेंसी टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस ऐसी टेंडेंसी है जब करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो हो रहा हो तो उसमें रुकावट पैदा करता है। अ वायर हैविंग ए डिजायर्ड रजिस्टेंस फॉर यूज इन ए इलेक्ट्रिक करेंट सॉरी अ वायर हैविंग ए डिजायर्ड रेजिस्टेंस फॉर यूज इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड ए रजिस्टर। एक किसी वायर में एक डिजायर रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर वायर हो और उसमें हमें कुछ रेजिस्टेंस पैदा करनी हो, जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर वायर हो उसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और हमें कुछ रेजिस्टेंस पैदा करनी है कि इतना करंट आगे फ्लो ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रजिस्टर यूज़ करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जो कि आपके सामने है। रजिस्टेंस कैन बी बोथ आइदर डिजायरेबल और अनडिजायरेबल इन ए कंडक्टर सर्किट। इन ए कंडक्टर टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस द रजिस्टेंस इज अनडिजायरेबल। कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तब वहाँ रेजिस्टेंस कैसा होता है? अनडिजायरेबल होता है। रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर कॉज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू टर्न इनटू हीट। रेजिस्टेंस क्या पैदा कर रहा होता है? एक कारण होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक कारण होता है किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस, वो क्या होता है? हीट पैदा करता है। मतलब कर क्या रजिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो करंट फ्लो हो रहा था वो कहीं ना कहीं स्टोर सा हो रहा है और उस जगह को क्या कर रहा है? वो हीट पैदा कर रहा है। सो सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ लॉस्ट अलोंग द पाथ। कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाथ में लॉस हो रही है। जैसे सब सिंपल एग्जांपल है,
बैटरी है, बैटरी का एक सेल लें, दो वायर से कनेक्ट करें और बीच में हम बल्ब लगा दें, तो बैटरी से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा वो बल्ब में जा रहा है, और बल्ब में जा रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस हो रही है। तो बल्ब भी क्या हो गया, एक तरह का रजिस्टर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अप्लाइंसेस भी एक तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, पर पर्टिकुलर रेजिस्टर्स हम इस तरह देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इट इज़ रेजिस्टेंस विच अलाउज अस टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइट एंड हीट, है ना। ये कैसे हैं, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये रेजिस्टेंस आपका कैसा है, विच अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को, इसकी लाइट के लिए हम यूज़ करते हैं, हीट के लिए। लाइट दैट वी रिसीव फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब एंड हीट जनरेटेड थ्रू इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं। एक्टिविटी देख लेते हैं। ड्यूरिंग योर लेबोरेटरी क्लासेस एट योर स्टडी सेंटर यू कैन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट विद द हेल्प ऑफ योर ट्यूटर एंड योर फ्रेंड्स। हम अपनी लेबोरेटरी क्लासेस में देख सकते हैं एक रिलेशन, किसमें करंट फ्लो हो रहा हो किसी पर्टिकुलर वायर में और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो उस जगह। टेक ए ड्राई सेल, क्या क्या लेना पड़ेगा हमें, एक ड्राई सेल लेना पड़ेगा, एक वोल्ट मीटर रेंज, वोल्ट मीटर चेक करने के लिए वोल्ट को, अमीटर लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फिक्स रेजिस्टेंस कॉइल लेनी पड़ेगी 1 ओम की, जैसा कि नहीं पीछे हमने देखी थी, ये आपको दिख रही है थर्ड नंबर में। रियू स्टेट लेना पड़ेगा, कनेक्टिंग वायर एंड प्लग की, ये सभी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। फर्स्ट पॉइंट है कनेक्ट द फिक्स्ड रजिस्टर, रजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे हम, अमीटर ड्राई सेल सभी चीज़ों को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे हम। इन पर किस में करेंगे, इन पैरेलल टू आर, आर के पैरेलल होंगे सारी चीज़ें सीरीज होंगे, ऊपर आर के क्या होंगे, पैरेलल होंगे रजिस्टर के। सेकंड पॉइंट होता है व्हेन द की के इज़ ओपन, और जब की के को हम ओपन कर देंगे, ये जो आपको दिख रही है प्लग की, when the key key is open meaning that the circuit is disconnect, open है मतलब connect, close नहीं है that means वो connect है, sorry close नहीं है तो disconnect है, close है तो connect है circuit, तो वहाँ कर electric current flow हो रहा है। check that the readings in ammeter and voltmeter are zero, अब हम check करेंगे, जब ओपन है दैट मीन्स डिसकनेक्ट है, तो वहाँ हम रीडिंग देख लेंगे कि वोल्ट मीटर अमीटर में क्या होगा, जीरो होगा। और जैसे ही प्लग की को इंसर्ट कर देंगे एंड मूव द स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट ऑफ द रियो स्टेट, और जो रियो स्टेट होगा उसको हम क्या करेंगे, स्लाइड करना चालू कर देंगे, थोड़ा इधर उधर खिसकाना चालू कर देंगे, सो दैट देयर इज सम स्मॉल रीडिंग इन अमीटर, और इसी तरह हमें क्या प्राप्त होगा, एक स्मॉल रीडिंग प्राप्त होगी अमीटर एंड वोल्ट मीटर। रिकॉर्ड दीज रीडिंग, और इन रीडिंग को क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। रियो स्टेट क्या होता है, रियो स्टेट आपकी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें रजिस्टर्स कई सारे लगे होते हैं अलग अलग तरह के, जैसे 0.25 हो गया। ये जो आपने रजिस्टर देखे हैं ये जनरली हम किसी इक्विपमेंट्स में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, पर रियो स्टेट होता है, रियो स्टेट में ये सारे पहले से रजिस्टर्स इनबिल्ट होते हैं, तो वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो वो क्या करेंगे, जब उनको स्लाइड करेंगे तो अमीटर और वोल्ट मीटर में हमें कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, और वहाँ से हम रीडिंग को रिकॉर्ड कर लेंगे। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ रियो स्टेट, और अब हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे रियो स्टेट के द्वारा, रिकॉर्ड अमीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग अगेन, और दोबारा अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। After changing the reading 4 to 5 times, record the corresponding value of the current and voltage from ammeter and voltmeter. इस तरह हम कितने बार करेंगे, 4-5 बार उसकी रीडिंग लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जो किस में होगा, अमीटर और वोल्टीमीटर की रीडिंग में होगा। What do you observe? You will observe that on increasing ammeter reading, voltmeter reading increase in the same proportion. अगर अमीटर रीडिंग बढ़ाएंगे तो वोल्टमीटर रीडिंग अपने आप ही बढ़ रही होगी। द वोल्टेज करंट ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, आपको जो वोल्टेज करंट ग्राफ मिलेगी वो कैसे मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन की मिलेगी, क्यों, दोनों ही एक साथ बढ़ रहे हैं।
What do you conclude? यहाँ से हमें क्या समझ आया? We conclude that the current flowing through a wire is directly proportional to the potential difference. यहाँ पे हमें ये समझ आया कि जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के. तो V प्रोपोर्शनल क्या हो गया, I. प्रोपोर्शनल यहाँ साइन हटाएंगे तो V इक्वल टू RI, और R आपका क्या है, R इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. प्रोपोर्शनलिटी का क्या है, कॉन्स्टेंट है, एंड इट इज कॉल्ड, इसी को क्या कह दिया हमने, रेजिस्टेंस कह दिया ऑफ द गिवन मेटलिक वायर, उस मेटलिक वायर के द्वारा दिया गया. दिस ऑब्जर्वेशन वॉज फर्स्ट मेड बाई जॉर्ज साइमन ओम. ये ऑब्जर्वेशन साइमन ओम के द्वारा दी गई थी और इसको कहा गया ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आर आई. ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम. अगर कंडक्टर में टेम्परेचर सेम रखा जाए तो जो उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के. इसको क्या कहा गया, ओम्स लॉ. काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट देखते हैं, नाउ ऑर्गेनाइज ए ब्रेन स्ट्रॉम सेशन विद योर ट्यूटर एंड अदर लर्नर्स ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स. द लॉ कैन बी अप्लाइड ओनली टू कंडक्टिंग वायर्स दैट and that too when its temperature and other physical condition remain unchanged. अब क्या करेंगे, एक सेशन हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपने ट्यूटर या लर्नर किसी के साथ कर सकते हो, और उसमें लॉ कौन से अप्लाइड होंगे, टू कंडक्टिंग वायर दैट टू when its temperature and other physical condition remain unchanged, जिसमें टेम्परेचर या और अदर फिजिकल कंडीशन उनको हम चेंज ना करें. इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज, अगर बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. आर दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज ए कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन वायर, उस वायर के लिए आर कैसा होगा, वो कॉन्स्टेंट होगा. इट कैन बी ईजली शोन दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड ऑन, तो यहाँ से हमें क्या पता लगेगा कि इट्स लेंथ उसकी कैसी होगी, लॉन्गर द वायर मोर द रेजिस्टेंस. लेंथ अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, बढ़ेगा. इट्स थिकनेस, थिकर द वायर लेसर द रेजिस्टेंस. अच्छा, वायर को मोटा रखेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा. इट्स विथ मोर द विथ लेसर द रेजिस्टेंस. एंड तीन पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, देयरफोर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया. रेजिस्टेंस वायर में जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के. द नेचर ऑफ मटेरियल, जैसे कि कॉपर वायर हैज़ लेसर रेजिस्टेंस देन आयरन वायर. कॉपर वायर में कम रेजिस्टेंस होता है क्योंकि उसमें करंट काफ़ी अच्छा फ्लो कर रहा होता है. आयरन वायर में हायर रेजिस्टेंस होता है एज़ कंपेरिजन टू द कॉपर वायर, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ जो है करंट लॉस हो रहा होता है. द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर कैन नेवर बी नेगेटिव. जो वायर का रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, कभी भी हम नेगेटिव नहीं मानेंगे. रेजिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. रेजिस्टेंस भी कैसी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है. एंड इट्स SI यूनिट इज ओम, डिनोटेड बाय द सिंबल ओम, जिसको ओमेगा कहते हैं. वन ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एक्रॉस विच व्हेन वन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड. किसी भी वायर में वन ओम रेजिस्टेंस तब होगा जब वन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए, वन करंट फ्लोस थ्रू द वायर, वन एम्पियर करंट फ्लो. तो वन ओम इक्वल टू वन वोल्ट अपॉन वन एम्पियर. हाई रेजिस्टेंस आर मेजर्ड इन किलो ओम एंड मेगा ओम. तो वन किलो ओम पता ही है 10^3 ओमेगा हो जाएगा. वन मेगा ओम 10^6 ओमेगा, या ओम बोल सकते हैं आप. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है 16.4,
काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें दो होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी करें, इससे आप आने वाले वीडियोज़ प्राप्त कर सकें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।